से निकला अभी तक नहीं पहुंचा। मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। चलो हम भी चलते हैं चलिए हम भी चल रहे हैं सर। चलिए दादाजी दादाजी रुकिए चल रहे चल रहे चाचा जी रुक जाइए। जेठा भाई यहीं पे है मंदिर में। आइए आइए जल्दी आइए सब लोग। अरे देखिए पापा देखिए यहीं पे बैठे हैं। जेठाल तो यहीं पे चाचा जी आप खामखा परेशान हो गए। अरे परेशान तो होऊंगा ना बिल्ली मास्टर बाप हूँ उसका। पर कमाल है यहाँ इतनी भागदौड़ी हो रही है इतनी आवाज आ रही है जेठा भाई को हम में से किसी की आवाज सुनाई भी नहीं दे रही है। मन में जब शोर चल रहा हो तब आसपास की आवाज सुनाई नहीं देती अंजलि बेटा। तुम सब लोग जाओ मैं जेठा को लेकर आता हूँ। दादाजी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं डॉक्टर तू भी जा। ठीक है हम लोग चलते हैं चाचा जी आप जाइए। क्या हंस क्या रहे हैं आप मेरी ऐसी परिस्थिति देख के मजा आ रहा है आपको। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? माना कि मेरे मुंह से नकारात्मक बात निकल गई जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी लेकिन एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मेरी पूरी की पूरी दुकान बिकवा दी। आपको पता है ना इस दुकान को जमाने में मुझे कितने साल लग गए। रात दिन मेहनत करके खून पसीना एक करके मैंने गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आज मार्केट में इतना बड़ा किया और आपने एक ही झटके में सब खत्म कर दिया। अभी क्या करूं मैं फिर से नए से कहीं और दुकान जमाऊं? अरे अभी जमाना बदल गया है नए नए टैक्स आ गए नए नए ऑनलाइन वाले आ गए उन लोगों के सामने मुझ जैसे छोटे व्यापारी को धंधा टिकाना मतलब लोहे के चने चबाने जैसा है। छोड़ो आप नहीं समझेंगे आप मेरी तरह व्यापारी नहीं है ना आप तो भगवान है। आज तक मैंने किसी का बुरा करना तो दूर किसी के बारे में बुरा सोचा तक नहीं। जलेबी फाफड़ा मसाला चाय और रात को दोस्तों के साथ अब्दुल के सोडा इसके अलावा मुझे और कोई व्यसन भी नहीं है। हाँ कभी कभार सोसाइटी की मीटिंग में पहुंचने में देर हो जाती है और सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक देने में कभी कभी मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। बाकी उसके अलावा मजाल है किसी की जो मुझ पर कोई आरोप लगाए। अरे एकदम सीधा साधा आदमी हूँ मैं शांति से अपना धंधा करता हूँ। मेरी दुकान में काम करने वाले नट्टू काका बाघा मगन उन पे कभी कोई तकलीफ नहीं आने देता। तो ऐसे सीधे साधे आदमी के ऊपर अपने मुसीबत का इतना बड़ा पार क्यों रख दिया? क्यों भगवान क्यों जवाब दीजिए क्यों? बाबूजी इनकी लीला अपरंपार है जेठिया आज तक कोई समझ नहीं पाया तो तू और मैं कैसे समझेंगे? बाबूजी आप ही हमेशा कहते हैं ना कि भूले का भगवान होता है तो फिर आज क्यों नहीं है? जेठिया है भगवान तेरे साथ ही है लेकिन तूने अपनी आंखों पे सवालों की पट्टी बांध रखी है इसलिए वो तुझे दिख नहीं रहे। सवालों की पट्टी हटा फिर देख ये तेरे साथ ही है। तेरा गुस्सा तेरी परिस्थिति ये सब जानते हैं। तूने जो सवाल उठाया है वो बराबर तू गलत नहीं लेकिन गलत ये भी नहीं। पर मुश्किल घड़ी तो सबके जीवन में आती है जेठिया तू बस भगवान पे श्रद्धा रख और खुद पे भरोसा रख मुश्किल घड़ी टल जाएगी। ये जो कर रहे हैं
वो सोच समझ के ही कर रहे। मैं जानता हूँ कि तुझे भविष्य की चिंता हो रही है ना। हाँ बापूजी, बराबर, पर होनी ही चाहिए। लेकिन जिठिया, जब सब कुछ करने के बाद भी परिणाम ना मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो कुछ भी हो रहा है ना उसे होने देना चाहिए। तू बस हौसला हौसला तो रखा है बापूजी, लेकिन सब कुछ पहले से शुरू करना पड़ेगा। कैसे होगा सब? अरे कच्ची माड़ू होकर निराश होता है? अरे कच्ची माड़ू तो पत्थर ने पाटू मारी ने पानी काढ़े। अच्छा तू जब मुंबई आया था तब सोचा था कि ये सब होगा, दुकान करेगा, गोडाउन खरीदेगा, घर लेगा, हम सबको विदेश घुमा सके, इतने पैसे कमाएगा, पता था? लेकिन सब हुआ ना जेठिया, तो फिर। अच्छा मुझे एक बात बता, तू जब पहली बार बचाव से मुंबई आ रहा था तब मैंने तुझे पूछा था कि मुंबई जाकर क्या करेगा जेठिया, अब तूने मुझे क्या कहा था? बापूजी भगवान है ना, सब अच्छा होगा। अच्छा हुआ ना, भगवान तब भी तेरे साथ थे, आज भी तेरे साथ है। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, सब अच्छा ही होगा, तू चिंता मत कर जी। क्या थैंक यू बापूजी, थैंक यू। मैं दुकान से निकला तब से बहुत चिंता में था, लेकिन अभी आपने मुझे समझाया तो मेरा मन एकदम शांत हो गया। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। ये थैंक यू वाली माफी मांग। ओह सॉरी सॉरी बापूजी। अरे मुझसे नहीं जेठिया, भगवान से। हाँ सॉरी भगवान, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी, गलती हो गई। बस बस अभी चल, अभी सोसाइटी में सब लोग तेरे लिए परेशान हैं। सब? चल चल चल। जेठा भाई आ गए। जेठालाल सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है मेहता साहब। जेठालाल हम सबको तो लगा तुम किधर भाग गया। अरे मैं क्यों भागूंगा यार भाई, मैं कच्ची माड़ू हूँ और कच्ची माड़ू कभी भी परिस्थिति से डर के भागते नहीं है। जेठालाल तुम दोपहर से थे कहाँ भाई? हाँ सेठ जी, क्या बताऊं भिड़े, दोपहर को इतनी मेहनत से जमाई हुई दुकान को खाली होते हुए देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं देख नहीं सका, इसलिए मैं दुकान से बाहर निकल गया और रास्ते पे यहाँ वहां भटकने लगा। लेकिन फिर भी मेरी बेचैनी मेरी परेशानी दूर नहीं हुई, इसलिए फिर मैं यहाँ मंदिर में आके बैठ गया। जेठालाल टेंशन को अपने दिमाग पर इतना भी हावी मत होने दो भाई। जेठालाल टेंशन है सबके जीवन में, लेकिन पॉजिटिव रहो भाई। सही बात है। हाँ तो पोपटलाल को ही देखो ना जेठालाल, इतने सालों से टेंशन में है कि मेरी शादी होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, क्या नहीं मतलब कब होगी कब होगी कब होगी, लेकिन हमेशा पॉजिटिव सोचता है कि मेरी शादी होगी होगी होकर रहेगी। हाँ यस पापा डोंट वरी एंड थिंक पॉजिटिव। हाँ हाँ बेटा मैं पॉजिटिव हूँ। जेठालाल तुमने आज इस ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ सुविचार पढ़ लिया होता तो इतने निराश नहीं होते तुम। क्या है आज का सुविचार? दुख जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सके। हाँ बात तो सही है बिल्कुल। जेठा जी डोंट वरी, कल जो भी होगा वो देखा जाएगा, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू बबीता जी, आप मेरे साथ हैं, सब
इसीलिए तो मैं इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी अड़ीखम खड़ा हूँ। अड़ीखम क्या कम? अय्यर अंकल अड़ीखम मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूती से। और मेरी ये अड़ीखमता को बापूजी ने और मजबूत बना दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं मंदिर में थोड़ा निराश होकर बैठा था, तभी बापूजी ने आके मुझे ज्ञान की ऐसी 3-4 गोली दी कि मेरी सारी बेचैनी, सारी परेशानी दूर हो गई। वाह। और अब मैंने राजी खुशी से जो भी परिस्थिति है उसका स्वीकार कर लिया है। अभी सब कुछ इनके हाथ में है। चलो अभी सब लोग घर जाओ और चिंता मत करो। हाँ, सब प्रार्थना करना कि कल की मुश्किल घड़ी में भगवान जेठिया को अड़ीखम रहने की शक्ति। हे भगवान, अब सब कुछ आपके हाथ में है। इस मुश्किल घड़ी में अपने आप को संभाल सकूं, इतनी शक्ति देना। बाबा में निकते बाबा हा? मैं कॉलेज जा रही हूं। हाँ बेटा। बाबा अब जेठा अंकल के बारे में सोच रहे हैं ना? ओ बा, मेरा भी कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर आज मेरी और गोगी की टेस्ट है तो जाना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम सब है ना जेठालाल के साथ। तुम अपने टेस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा। चल सोनू। गुड मॉर्निंग बीड अंकल। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी भी टेस्ट है आज? हाँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ज्यादा टेंशन नहीं होगा। मम्मी पण। हो हो हो। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है यार, बहुत टेंशन हो रहा है। बेटा बाय पेपर। अरे गेले का सोनू? जवाब नहीं दे रहे, अखबार भी नहीं लिया, क्या हो? कहाँ खोए आप? जेठालाल के बारे में सोच रहा हूँ माथे। आज जेठालाल की दुकान दिख जाएगी, वो सुरमा भाई जबरदस्ती उसकी दुकान खरीद लेगा। नहीं तो क्या है, लपाड़ मानुस। मुझे ना जेठालाल के बारे में सोच के बहुत दुख हो रहा है। लेकिन आपने ये अच्छा किया कि जेठा भाई के दुकान का सारा सामान क्लब हाउस में रखने की परमिशन दे दी। परमिशन तो एक फॉर्मेलिटी है माधवी। मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी हूँ, और सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी के हर सदस्य की परेशानी को समझना, उसमें उसका साथ देना मेरा कर्तव्य है। बरोबर है। क्या से क्या हो गया ने? बेचारे जेठा भाई, उनको तो परिस्थिति का स्वीकार करना पड़ा। मिकाय मंटे, आप अखबार पढ़िए, मैं तब तक आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। ईंधन दरात कपात, पेट्रोल आणि डीजल से भाव कमी होणार। चलो कुछ तो अच्छी खबर मिली। मुंबई अहमदाबाद मेट्रो प्रकल्पाला मिळाली नवीन गती। बुलेट ट्रेनचा मार्ग झाला निश्चित। बँड्राला होणार नवीन स्टेशन। बुलेट ट्रेन मधील सगळे अडथळे दूर करणार सरकार। अरे वा 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 वा। माधवी, ए माधवी, माधवी बाहेर लवकर माधवी। अरे अरे काय बातमी आली पेपरामध्ये? अरे मुंबईची गाडी आवी रे, ओ दडिया झाली। जेठालाला मुंबईची गाडी आवी रे, ओ जेठालाला मुंबईची। अरे सोडी को, सोडी को, नुसतं जाऊ, सोडी 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 सोडी। गुड न्यूज आहे, गुड न्यूज। कमाले भाई, सोडी 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 काय रसू मावी।
अरे सोड़ी, ये देख देख बुलेट ट्रेन की न्यूज पढ़ आज की, पढ़ पढ़ पढ़। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला मिलाळली नवीन गति, मुंबई मध्ये बुलेट ट्रेन चा मार्ग झाला निश्चित। बुलेट ट्रेन चलने वाली है, बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है, कांग्रेचुलेशंस। पर अभी जेठा प्रा की इतनी टेंशन चल रही है तो अभी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अरे सेलिब्रेट करने की बात ही नहीं, मेन खबर तो आगे है। तुम्हारे पास पंजाबी न्यूज़पेपर आता है ना? हाँ। तो उसमें न्यूज होगी, देखो देखो। अरे देख तो सही, देख नहीं रहे हैं, क्या चल रहा है? देख देख वो क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट में होगी, सप्लीमेंट में, सप्लीमेंट किस में होगा? हाँ ये मुंबई तो अहमदाबाद जान वाली बुलेट ट्रेन का मार्ग होया सुनिश्चित। बांद्रा विच बनेगा स्टेशन, बुलेट ट्रेन दे मार्ग विच आन वाली अड़चना दूर करेगी सरकार। अगली सो खास खबर छे मारवी भाभी? पता ही नहीं रोशन भाभी, ये बुलेट ट्रेन की न्यूज पढ़ी और ये इतने खुश हो गए कि बुलेट ट्रेन की तरह इधर भाग के आ गए। मुझे बताया भी नहीं। अहो बताइए ना, क्या खबर है नक्की? अरे बताता हूँ मादी, पेशेंस तो रखो। कैसी खबर है सोड़ी? क्या खबर है? वोटो बोल बाबा, हमें भी तो बताओ, हमें भी बल्ले बल्ले करना है। हाँ तो ये न्यूज़ पढ़ो माधवी। और ये तो जेठा भाई के लिए गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़। ये खबर ना जेठा भाई को अभी के अभी जाके सुनाते हैं। हाँ चलो चलो, और जेठा भाई का मुंह मीठा करने के लिए मैं तिल के लड्डू लेकर आती हूँ। अरे भिड़े मास्टर सोड़ी, गुड मॉर्निंग। अरे आप सबने आज का पेपर पढ़ा कि नहीं? हाजी भाई, आज का पेपर पढ़ा भी, और उसमें जो शानदार लाजवाब बढ़िया न्यूज है ना, वो भी पढ़ी हमने भी पढ़ी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सबने आज की खबर पढ़ी कि नहीं? अरे अब्दुल, खबर पढ़ के तो मेरी सुबह गुलाब जामुन जैसी मीठी हो गई है। अरे वाह। अरे हाथी भाई, सिर्फ आपकी नहीं, पूरे गोकुलम सोसाइटी की सुबह आज गुलाब जामुन की तरह मीठी और मधुर हो गई है। सही बात है। आओ चला ना, लौकर जेठा भाई को खबर सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो चलो। मतलब जेठा भाई को अभी तक ये न्यूज पता ही नहीं है? अरे जेठा प्रा को पता होता तो इतनी शांति थोड़ी ना होती, अपना जेठा प्रा जश्न मना रहा होता। हाँ तो चलो इसको खुशखबरी देते हैं ना। चलो 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 चलो। ए, रुको रुको, ये देखो मेहता साहब का पेपर तो घर के बाहर ही पड़ा हुआ है। वो इसको मतलब मेहता साहब को भी इस गुड न्यूज के बारे में नहीं पता। चलो चल के मेहता साहब को इस गुड न्यूज के बारे में बताते हैं, फिर हम सब मिलके जेठा प्रा के घर पे जाके खुशियों का हल्ला बोल देते हैं। दोस्तों जेठालाल की परेशानी को बुलेट ट्रेन धड़धड़ाते हुए खुशियों के स्टेशन पे आकर रुक गई। गोकुलधाम का वातावरण इतना खुशनुमा हो जाएगा कल तक किसी ने सोचा नहीं था। दुकान जाने का भय, जेठालाल की दुकान जाने का भय अचानक खुशी में तब्दील हो गया है, क्योंकि ये दुकान तो बुलेट ट्रेन की वजह से कटाई में जा रही है। भाई ईश्वर ने हम गोकुलधाम निवासियों की प्रार्थना सुन ली और इस वक्त बड़ी खुशी का माहौल है गोकुलधाम में। पर आप मेरे परम मित्र जेठालाल का अतीत तो जानते ही हैं, जब भी खुशियों ने दरवाजा खटखटाया है पीछे खड़ी हुई परेशानियों ने इंतजार नहीं किया और आगे बढ़ के गृह प्रवेश कर लिया। अब क्या होता है आगे, ये देखने वाली बात होगी। सोचने वाली बात तो ये भी है कि अपने एक पैसे का नुकसान सहन न करने वाले सुरमा भाई ने क्या ये खबर नहीं पढ़ी होगी? अगर खबर पढ़ी होगी तो उनका अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे वो, क्या करेगा जेठालाल? भाई आगे कहानी में इतने रोमांचक मोड़ आने वाले हैं कि मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते रहिए, फिर भी कहता हूँ देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.